मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। विकास की प्रक्रिया का लाभ समाज के हर तबके को बिना भेदभाव के प्राप्त होगा। इसका दायित्व जनप्रतिनिधियों व प्रशासन का है। आवश्यकता इस बात की भी है कि नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जागरूक होकर विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सहभागी बने। सीएम योगी बुधवार को कस्बा संग्रामपुर उर्फ उन्वल में 20 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से बने 3.5 किलोमीटर लंबे बाईपास एवं 2 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत वाले नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उर्फ उन्वल के कार्यालय भवन का लोकार्पण करने के बाद यहां आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार विकास कार्यों के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने की दिशा में कार्य कर रही है। विकास में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। उपस्थित जनसमूह को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में जब नगर पंचायतों का गठन किया जा रहा था तो जनपद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में से एक कस्बा संग्रामपुर उन्वल को उस समय प्रदेश की पहली नगर पंचायत के रूप में गठित किया गया। इस नगर पंचायत के अपने भवन के लिए 2 करोड़ 12 लाख रुपए तथा अन्य विकास कार्यों के लिए 12 करोड़ 85 लाख रुपए भी स्वीकृत किए गए। इस नगर पंचायत में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4168 आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें से 2692 आवास पूर्ण हो चुके हैं। यहां 329 लोगों को पीएम स्वनिधि योजना की सुविधा मिली है, जबकि 750 लोगों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत शौचालय योजना का लाभ मिला है। साथ ही साथ सामुदायिक व एक पिंक शौचालय का निर्माण किया गया है। इस नगर पंचायत में 338 पात्रों को वृद्धावस्था पेंशन तथा 152 निराश्रित महिलाओं को पेंशन का लाभ मिल रहा है। उन्वल को नगर पंचायत का दर्जा देने के साथ ही लोगों की आवागमन की सुविधा हेतु 20 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बाईपास भी बनवाया गया। मुख्यमंत्री ने लोगों से स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध करते हुए कहा कि स्वच्छता स्वास्थ्य के साथ ही क्षेत्र की पहचान से जुड़ी होती है। गांव कस्बा गंदा रहेगा तो लोगों की धारणा ठीक नहीं रहेगी, जबकि साफ सफाई दिखने पर लोग तारीफ करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कर घर घर शौचालय की सुविधा दी। साफ सफाई के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलने लगे। स्वच्छ भारत मिशन सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साफ सफाई पर दिए गए विशेष ध्यान के चलते ही इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों के आंकड़े समाप्ति की ओर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली से पूर्व जन सहभागिता से हर मोहल्ले वार्ड नगर को साफ सुथरा बनाने का कार्य होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि नगरीय कूड़ा प्रबंधन अभी भी चुनौती बना हुआ है, इसके लिए नगर पंचायतें कम खर्च में बेहतरीन मॉडल बना सकती हैं। नगरीय कूड़े को अभी से व्यवस्थित करने पर कार्य करना होगा, अन्यथा कूड़े के ढेर बीमारियों के कारण बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि सफाई व कूड़ा प्रबंधन की कार्य योजना बनाकर नगर पंचायतों में कस्बा संग्रामपुर नंबर एक बन सकता है। अभी यह तीसरे पायदान पर है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग ना करें, यह कार्य समाज पर उपकार के समान होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ व अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी, हर पीड़ित को राहत सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। जन हानि पर सरकार की पूरी संवेदना है और प्रभावित परिवार को शीघ्र ही मुआवजा उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अलावा फसलों व अन्य क्षति के मुआवजे के लिए भी आकलन कराया जा रहा है। लोकार्पण समारोह में सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि जो लोग पहले खुद को गोरखपुर की बजाय नॉर्थ का बताते थे, सीएम योगी के नेतृत्व में आए अद्भुत बदलाव से अब गोरखपुरिया कहने में गर्व की अनुभूति करते हैं। पहले अपराध के कारण गोरखपुर की पहचान ईस्ट शिकागो की थी। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद इसकी पहचान कानून व्यवस्था विकास निवेश के पसंदीदा स्थल के रूप में है। स्वागत संबोधन सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ल तथा नगर पंचायत उन्वल के चेयरमैन उमा शंकर निषाद ने किया। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉ. धर्मेंद्र सिंह, चिल्लोपार के विधायक राजेश त्रिपाठी, पूर्व विधायक देव नारायण उर्फ GM सिंह, भाजपा के जिला प्रभारी अजय सिंह गौतम, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, अश्विनी त्रिपाठी, मार्कंडेय राय, रामपाल सिंह आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कस्बा संग्रामपुर उर्फ उन्वल के नगर पंचायत भवन का फीता काटकर लोकार्पण करने से पूर्व वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से पूजन किया। लोकार्पण के बाद उन्होंने भवन में बने अध्यक्ष कक्ष,
मीटिंग हॉल व अन्य कमरों का निरीक्षण कर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। समारोह के दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण, कन्या सुमंगला, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि के स्टॉलों का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने दो बच्चों का अन्नप्राशन कराकर उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। लोकार्पण समारोह के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों श्रीमती साधना सलीमुन पानमती देवी को आवास की प्रतीकात्मक चाबी व प्रमाण पत्र प्रदान किया। इसके साथ ही सीएम के हाथों पीएम स्वनिधि योजना के तहत शुभम गुप्त, धीरज गौड़ व हेमंत कुमार को ऋण स्वीकृति प्रमाण पत्र तथा ज्ञानेंद्र व रामू मौर्य को आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य के लिए सभी सफाई कर्मी प्रभुनाथ को प्रशस्ति पत्र व उपहार देकर सम्मानित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उरनवल के नगर पंचायत अध्यक्ष उमा शंकर निषाद ने कहा, हार लेकर के लड़ने में राष्ट्रभक्ति नहीं है। जी जगह किसान की गोली बंदूक भैया चलावे माननीय सांसद गोरखपुर महोदय, स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। माननीय सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम अतिथि देवो भव की परी, आप यहाँ पर नगर पंचायत उरनवल के सम्मानित जनता के तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ तथा मंच पर विराजमान आप अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उरनवल नगर पंचायत में महाराज जी के आशीर्वाद से नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। नगर पंचायत में जो नंगे पोल पे तार लगे हुए हैं वो शीघ्र दीपावली के बाद केबल लगने का काम चालू होने वाला है और महाराज जी के आशीर्वाद से भी जो भी अधूरे काम हैं शीघ्र ही करने का काम किया जाएगा। धन्यवाद। कुछ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को इतने बड़े सहजनों विधानसभा का तमाम सभावी को दिया, मैं महाराज जी को विश्वास दिलाता हूँ कि लखनऊ से जो भी योजना चल के आएगी सरकार के द्वारा तक पहुँचाने का कार्य आपका यह कार्यकर्ता करेगा। महाराज जी का मैं अभिनंदन और वंदन करते हुए आप सभी जनता को गुरु गोरक्षनाथ महाराज की गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर हमने के अद्भुत मुख्यमंत्री, कौन मुख्यमंत्री, कैसे कौन मुख्यमंत्री अद्भुत ही चलते भैया हो कि हम जब अभी सड़किया से आवत रहे तो इस सड़क के हम अपने चुनाव में भी देख ले रहे तो बड़ा बुरी सड़क थी तो पूज्य महाराज के चरणों में चंदन वंदन अभिवंदन कि महाराज जी इतनी छोटी छोटी सोच कि शहर तो महाराज जी बना ही देलन लेकिन गांव देहात उरनवल के भी आज जैसे कि अभी हमारे माननीय विधायक जी के इतना सुंदर भाषण रहे कुल गिनवा देलन सीएससी पीएससी से लेके पूरा बच्चा लोग कैसे पढ़ रहा है सब लोग आगे बढ़ रहा है और ये उरनवल में गीडा आज सहजनवा में आ गया और नोएडा की तरह लाखों लोगों को रोजगार के लिए अनगिनत विदेश की कंपनियां करोड़ों करोड़ों रुपए का निवेश कर रही है इसी गोरखपुर में। ये गोरखपुर जिसको लोगों ने एक इंग्लिश में कहावत थी कि पहले इसको हम बंबई में थे तो पढ़ते थे ईस्टर्न शिकागो कहते थे, ईस्टर्न शिकागो जहां सबसे ज्यादा क्राइम होता है अमेरिका में एक जगह है। तो गोरखपुर को जब हम लोग बंबई में रहते थे तो अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया कहीं पढ़ते थे ईस्टर्न शिकागो एक जमाने में इसका नाम था जब पिछली सरकारें यहाँ चलती थी। बड़ा गौर से ध्यान दिया तो हम बताई कहा हो तो आज हमारे महाराज जी के बहुत आज दीपावली का तोहफा लेके इन्हें कालो तोहफा देलन आजो ऐसा भव्य इमारत और नगर पूरा एक नगर पंचायत बन गई और नगर पंचायत जो है वो गांव देहात रहे
कस्बा बना के 4000 मकान जैसे हमारे विधायक जी बताए, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी क्षेत्रीय अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य, श्री राजेश त्रिपाठी जी माननीय विधायक चिल्लूपार, प्रदीप शुक्ल जी जितना अभी बढ़िया बोलना और बहुत बढ़िया नेता के रूप में उभर गई ना महाराज जी के आशीर्वाद से, सजनवा श्री विमलेश पासवान जी ना ही ना लेकिन उनका भी स्वागत, युधिष्ठिर सिंह जी जिला अध्यक्ष भाजपा, श्री अजय सिंह गौतम जी जिला प्रभारी गोरखपुर, उमाशंकर निषाद जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति और महाराज जी के विशेष इस पर कृपा है कि देखिए आज वो अध्यक्ष के रूप में उभर के आए, जहाँ पर लोग समझ रहे हैं आप लोग ही महाराज जी बड़ा, ऐसे व्यक्ति को महाराज जी ऐसे उठा लेना जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता था, जो एक कर्मठ कार्य करता है, यही यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का रूप, वही रूप भारतीय जनता पार्टी का आखिरी पंक्ति में कार्यकर्ता को महाराज जी नोट करते थे कि 20 साल से प्रदीप शुक्ला जी दौड़ रहे हैं, कभी मांगा नहीं उनसे कुछ, ऐसे कार्यकर्ता के खोजलन महाराज जी। तो आप लोग भी समझ रहे हो, जितने बैठे हो सब लोग दांत चियार में, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हर हर महादेव। तो शीतल पांडे बाबा ना ही ना, देव नारायण सिंह जीएम सिंह जी बहुत जीएम साहब बैठे हैं पीछे, अश्विनी त्रिपाठी जी स्वागत आपका, बहुत अच्छा, बहुत बड़े नेता हमारे चुनाव में एकदम बहुत हमारी सेवा की, हमको चोखा भात खिलाते रहे, मार्कंडे राय जी प्रभारी नगर पंचायत उमल, श्री छोटेलाल मौर्य जी आए हैं जिला उपाध्यक्ष, श्री राम प्रकाश चौरसिया जी मंडल अध्यक्ष उमल, श्री रामपाल सिंह जी भाजपा नेता और सभी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता पद वाले जितने पद पे बैठे हैं, और माई बहन बाबा बच्चा लोग सब लोग उनवल के सब लोगन के दीपावली की शुभकामना, मुझे महाराज जी एजा आयल बड़त, और हम चाहे हमरे महाराज जी खातिर एगो गड़गड़ा के ताली होके के चाही, ताली खातिर जैसे कि कल से एक वीडियो वायरल हुआ है कि गर्व से कहो हम गोरखपुरिया है, गर्व से कहो हम, पूरा आवाज आए के चाहिए, पूरा भारत सुन रहा है, बोले गर्व से कहो हम गोरखपुरियाई, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। कहें कि जब हम बंबई में रहत शूटिंग में तो हम गोरखपुर वाला केहू भेटा जात रहन, तो हमके हम बोले कहाँ गांव पड़ी हो, हम लोग हमेशा पूछते हैं भोजपुरी या कोनो जवान मिल जाए कि कहाँ घर पड़ी होता, तो हमेशा कहते हैं हम नॉर्थ के हैं, हम हर के नॉर्थ के, हम नॉर्थ का होगा, तो बड़ा रोग आके कहता बोले हम गोरखपुर के, बोले कहा छिपाओ ताड़ा हो, कहें कि इतना क्राइम होता था, इतनी हत्याएं होती थी, इतना लूट खसोट होता था, पिछली सरकार में जौन जौन होत रहे वो केवल से छिपल ना बा, अभी पार्षद का चुनाव आ रहा है, आप लोग अपनी गली को देखिएगा, जो हमारा पार्षद है नहीं है, हमारी विचारधारा का नहीं, महाराज जी ने सबको दिया, योजनाएं सब तक गई, लेकिन कुछ सपा की मानसिकता के पार्षद रहे हैं, कुछ लोग जो हमारे पास भी सांसद के रूप में कंप्लेंट आता है कि हमारे गली में काम नहीं होता हो, हमारे गली में नाली रोक ले बाड़न, हमारे गली में सीवर रोक ले बाड़न, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये सपा की मानसिकता। भाई जब महाराज जी भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार की योजनाएं एक रूप में आती है तो पूरे एक एक जनता के लिए आती है, किसी ने वोट दिया किसी ने वोट नहीं दिया, लेकिन महाराज जी की सोच बात कि सबको मिलना चाहिए। अभी आप लोगों के सोचे के बाद आपकी गली का अगर वो पार्षद रहा, आपके मोहल्ले का, आपके कस्बे का, आपके गांव का जौन भी रहे, वो ना जीतवले भारतीय जनता पार्टी का ना बा पार्षद, ये काम नहीं करवाओ तो ओकर गलती बा, उस पार्षद की गलती है। महाराज जी ने तो सारी योजनाएं धरती पर दे दी, यहां पर उतार के नगर पंचायत की इतनी बड़ी इमारत हो गई भाई, तब ये लोग अपनी बदमाशी अपनी मानसिकता नहीं हो भाजपा के बाड़न, महाराज जी के मुख्यमंत्री के भाजपा के फायदा हुई, हमके नहीं वोट मिली, जात बिरादरी के नाम पे आपके गली को सड़ाएं, आपके जीवन को कीड़ा मकौड़ा मच्छर डेंगू बीमारी कुल वो पार्षद आपको पाल के देता है, कर्ता के लगे के पड़ी हमारे काम, अरे हमारे महाराज जी का इतना योजना बाबू, इतना करोड़ों खरबों रुपया यहाँ उतरा खाली जाके गिनवाना, जब दिशा दशा बदल दिए हैं तो महाराज जी चाहते हैं कि हमारे सारे पार्षद हों, ताकि ईमानदारी से सच्चाई से महाराज जी द्वारा योजनाएं राज्य
सर आप सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न होता हुआ बटन दबा करके तालियां बजे जोरदार 20.27 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित उन्वल बाईपास से निर्मित नगर पंचायत उन्वल कार्यालय का लोकार्पण एवं शिष्य पर आमंत्रित करेंगे प्रधानमंत्री आवास माननीय मुख्यमंत्री जी वापर कमलों से सलीमन जी अपने आवास की चाबी एवं मुख्यमंत्री महोदय वार्तालाप करते हैं अपने कर कमलों से छोटे बच्चे से तत्पश्चात पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी पीएम स्वनिधि से शुभम गुप्ता जी शुभम गुप्ता के पास से पीएम स्वनिधि का अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए धीरज गौड़ जी को हम आमंत्रित करेंगे कि आप मंच पर आए के पुत्र वार्ड नंबर 12 सुनारी टोला से इसके पश्चात के मनहिया टोला से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इसके पश्चात एवं रामू मौर्य जी को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे हम उत्कृष्ट कर्मचारी क्षेत्रों में तृतीय स्थान सर्वेक्षण कार्यक्रम में इन कर्मचारियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री प्रभुनाथ जी एवं साथ अखिलेश जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से मिठाई एवं उत्साह वर्धन करते हुए लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के पश्चात यह भारत माता की कस्बा संग्रामपुर यानी उनवल के इस नगर पंचायत के कार्यालय भवन और यहाँ के बाईपास के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप शुक्ल जी भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी माननीय विधायक चिल्लोपार श्री राजेश त्रिपाठी जी जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी अजय सिंह गौतम जी नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल के अध्यक्ष उमा शंकर निषाद जी पूर्व विधायक श्री देवनारायण उर्फ जीएम सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अश्वनी त्रिपाठी जी मारकंडे राय जी छोटेलाल मौर्य जी मंडल अध्यक्ष राम प्रकाश चौरसिया जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत के पूर्व सदस्य श्री हरि बाबू रामपाल सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी इस क्षेत्र के नागरिक बंधुओं भाइयों बहनों दीपावली के पूर्व कस्बा संग्रामपुर को अपना कार्यालय भवन और बाईपास उपहार मिला है मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं दीपावली आप सबके लिए मंगलमय हो इसकी भी कामना करता हूं कस्बा संग्रामपुर गोरखपुर का सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में से एक हुआ करती है जब 2017 में नगर पंचायतों के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो हम लोगों ने सबसे पहले प्रदेश के अंदर कस्बा संग्रामपुर को नगर पंचायत के रूप में गठन किया था और मुझे प्रसन्नता है कि उस समय शिवमा शंकर सानी को यहां पर नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में बना करके
नगर पंचायत के विकास की अनेक योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य आप सब ने किया है। मैं इसके लिए पूरे उनवल उर्फ कस्बा संग्रामपुर के आप सभी भाइयों बहनों को और आसपास के गांवों के सभी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नगर पंचायत गठन होने के साथ ही आप सब जानते हैं कि जिस समय यह गठन हुआ था ये 29 जून 17 का दिन था और उस समय यहां फिर कर्मचारी दिए गए, धनराशि स्वीकृत हुई, जिसमें यहां के नगर पंचायत भवन के लिए 2,12,00,000 रुपए और नगर पंचायत के विभिन्न कार्यों के विकास के लिए 12,85,00,000 रुपए स्वीकृत हुए। मुझे प्रसन्नता है आज जब मैंने यहाँ पर देखा है कि अकेले कस्बा संग्रामपुर में नगर पंचायत बनने के बाद 4,168 गरीबों को एक एक आवास मिला है और आवास का लाभ भी कुछ लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर उसकी व्यवस्था भी की। इनमें से अब तक 2,692 मकान पूर्ण हो चुके हैं और बाकी स्वीकृति की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में ठेला खोमचा लगाने वाले लोगों के लिए भी 329 ऐसे लोगों को इसकी सुविधा प्राप्त हुई है। स्वच्छ भारत मिशन में 750 लोगों को शौचालय भी प्राप्त हुआ है और 7 सामुदायिक शौचालय की संख्या, 1 सार्वजनिक शौचालय, 1 पिंक शौचालय की व्यवस्था भी यहां पर हुई। इस नगर पंचायत में वर्तमान में 338 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, 152 को निराश्रित महिला पेंशन का लाभ भी यहां प्राप्त हो रहा है। आज विकास की इन सभी प्रक्रियाओं के साथ आपके साथ जुड़ने के लिए मैं स्वयं यहां पर आया हूं, क्योंकि 2009 में कस्बा संग्रामपुर गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का भाग बना था और हरिबाबू हैं, चाहे वह शिव कुमार हैं, उमा शंकर सानी हैं या यहां के सभी जो कार्यकर्ता थे, ये सभी लोग तब से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए थे। इसलिए जब प्रदेश के अंदर पहली नगर पंचायत बनानी थी तो हम लोगों ने इसी कस्बे को, इसी गांव को नगर पंचायत बनाया और आज आपने देखा होगा नगर पंचायत बनने के बाद यहां का विकास प्रारंभ हुआ। यहां पर 20 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ का बाईपास का निर्माण भी हो गया है, गरीबों को आवास भी मिल रहे हैं, विकास की अनेक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी अब यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। एक बात जिस पर हमें ध्यान देनी होगी, एक हम सब जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया का लाभ हमें प्राप्त हो यह प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है और चुने गए जनप्रतिनिधि बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ पहुंचाए। लेकिन शासन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, प्रशासन शासन की योजनाओं को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करे, लेकिन साथ साथ नागरिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी हम सबको मिलकर के करना होगा। भाइयों बहनों, स्वच्छता का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, उसका प्रभाव सीधे हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे कस्बे की पहचान से, हमारे गांव की पहचान से जुड़ा हुआ है। अगर गांव या कस्बा गंदा होगा, लोगों की धारणा हमारे बारे में भी गलत होगी, लोग कहेंगे देखे साहब कितने गंदे लोग हैं। अगर हमारा गांव और हमारा कस्बा साफ सुथरा होगा
लोगों की धारणा भी हमारे प्रति बदलेगी। और इसीलिए स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी। इसमें व्यक्तिगत रूप से अपने गांव, अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने कस्बे को स्वच्छ बनाए रखने के साथ ही जिन लोगों के पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं था उन लोगों के घर में एक एक शौचालय भी उपलब्ध कराना, ये सभी कार्यक्रम एक साथ जुड़कर के आगे बढ़ाने के कार्य हुए और ये कार्यक्रम बखूबी आगे बढ़ रहे हैं। सफलता की नई ऊंचाइयों को, गंदगी के कारण जो बीमारियां फैलती थी आज स्वच्छता के कारण बहुत सारी बीमारियां स्वतः समाप्त हो रही। इंसेफ्लाइटिस आप देख रहे होंगे, पहले हजारों मौतें होती थी, अब मौत के आंकड़े एकदम समाप्ति की ओर है क्योंकि लोगों ने स्वच्छता पे ध्यान देना शुरू किया, उसके परिणाम भी सामने आने शुरू हुए। लेकिन अभी भी नगरीय कूड़ा प्रबंधन एक चैलेंज बना हुआ है और एक नई नगर पंचायत है, मैं अभी से नगर पंचायत से कहूंगा कि वे जिला प्रशासन के साथ बैठ करके, जिला प्रशासन भी नगर पंचायत के साथ बैठ करके कूड़ा प्रबंधन के कार्य को अभी से व्यवस्थित करें, नहीं तो कूड़े का ढेर लग जाएगा और फिर उसके ऊपर चील कौवे मंडराते हुए दिखाई देंगे, बीमारियों के कारण बनेंगे। अभी से कूड़ा प्रबंधन का बेहतरीन कार्य हमें अभी से प्रारंभ करना होगा, कम खर्चे में बेहतरीन मॉडल खड़े हो सकते हैं और उस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ करेंगे तो आपकी नगर पंचायत अभी तो प्रदेश के अंदर तीसरे नंबर पर है और कस्बा संग्रामपुर को नंबर एक पर आना चाहिए। यह आपके सामने चैलेंज होगा और इस दिशा में आप सबको प्रयास करना होगा। भाइयों बहनों, आज के दिन पर विकास कार्य के लिए पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जो पैसा आ जाए उसका सही इस्तेमाल हो जाए, सही इस्तेमाल हो जाए, यह सबसे बड़ी चुनौती होती है और इसलिए नागरिक जिम्मेदारी वहीं पर प्रारंभ होती है। विकास कार्य के लिए आने वाले पैसे का सही इस्तेमाल हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। नगर निकाय से जुड़े हुए लोगों के छोटे मोटी समस्या का समाधान तो तत्काल होना चाहिए। प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित करते हुए प्लास्टिक को जो शासन ने रोक लगाई है, हमारे कस्बे में भी कहीं कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये हम सब अगर अपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो बहुत बड़ा उपकार हमारे अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ समाज पर होगा। अभी हाल ही में बहुत सारी बारिश हुई, अतिवृष्टि के कारण काफी जनधन की हानि हुई, फसलें खराब हुई, हमने उन फसलों का आकलन करने के लिए भी प्रशासन से कहा है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, जिन लोगों को जनधन की हानि हुई उसमें सरकार आपकी पीड़ा के साथ पूरी संवेदना व्यक्त करती है और हर प्रभावित परिवार को उसका उचित मुआवजा देने का कार्य भी सरकार के स्तर पर बहुत शीघ्र किया जाएगा। विकास के प्रति हम सब जागरूक हों। अभी दीपावली का पर्व आने वाला है, दीपावली के पहले हम अपने घरों की लिपाई पताई करते हैं, हमारा प्रयास हो हम अपने घर के बारे में सोचते हैं, हमें अपने मोहल्ले, अपने वार्ड, अपने नगर के बारे में भी सोचना चाहिए, हमारा नगर निकाय भी साफ सुथरा बने, सब जगह लोगों को इस सुविधा दिखाई दे, इसके लिए हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको आश्वस्त करता हूं, विकास कार्य के लिए पैसे की कमी कभी आड़े नहीं आएगी, पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, बशर्ते हम विकास कार्य के प्रति जागरूक होकर के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर से आप सबको आज दीपावली के पूर्व नगर पंचायत का अपने स्वयं के कार्यालय और जो बहुत प्रतीक्षित मांग आप लोगों की थी, बहुत प्रतीक्षित मांग थी, कस्बा संग्रामपुर से जो भी मेरे पास आता था और मुझसे कहता था एक बाईपास बन जाता, और आज मुझे प्रसन्नता है यहां का बाईपास भी बनकर के तैयार हो गया है और नगर पंचायत भवन भी आपको बन गया है। इन दोनों की और यहां पर भेज सभी विकास कार्यों की एक बार फिर से मैं आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम विकास के माध्यम से
प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। मैं उन्होंने नगर पंचायत वासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। हमारे यहाँ 2017-18 में मुख्यमंत्री जी पहली बार बने थे महाराज जी, पहली कैबिनेट बैठक में पहला नगर पंचायत की घोषणा किया था उन्होंने जी। बहुत अच्छा लग रहा, नगर पंचायत में दिवाली जैसा माहौल बना हुआ है।